वेलकम बैक टू अम्मी का चाहा। आई होप एवरीवन विल बी फाइन। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो, प्रेस द बेल आइकन, शेयर माय वीडियो। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अम्मी का चाहा। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम बनाएंगे डोनट, जो कि बिल्कुल आसान तरीके का है और बहुत ही कम समय में, कम इंग्रेडिएंट्स में बन गया है और बहुत ही टेस्टी बना है। आपको वीडियो में पता चल जाएगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियो, वीडियोस को लाइक नहीं कियो तो प्लीज कर देना। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स हम देख लेते हैं। तो हमें चाहिए 2 कप मैदा, 4 टीस्पून शुगर, 1/2 कप मिल्क, 1 एग, 5 ग्राम ईस्ट। ईस्ट हमने बेकरी वाली ली है, आप सादी लोकल मार्केट में से या ये स्टोर ग्रोसरी के स्टोर पर से ले सकते हैं आप, मिल जाएगी आपको। 1 टीस्पून वनीला एसेंस। ये जो हमने एग है, अंडा है, उसके अंदर हमको मिल्क ऐड करना है यानी दूध। शक्कर जो है, शक्कर ऐड करना है। आप खमीर जो लोगे आपको चल जाएगी। वनीला एसेंस ऐड करना है। हमने बेकरी से लिया था, बेकरी वाली, बेकरी में जो पाव वगैरह बनते हैं उसमें जो यूज होती है। आपको अच्छे तरीके से ये तीनों चीज को फेंट लेना है। शक्कर जो है वो गल जाना चाहिए, आपको इतना फेंटना है इसे। देखिए हमने फेंट लिया है। चलिए अब हम इसे साइड में रखते हैं। अब जो हमारा मेन डोनट का है इंग्रेडिएंट, उसे हम बनाएंगे। आपको 1/2 टीस्पून शक्कर हमें ले लेना है, शुगर, खमीर जो हमने 5 ग्राम लिया है उसे ऐड कर लेना शुगर में। क्वार्टर आपको मिल्क ले लेना है। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है आपको ये सबको। लम्स बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए ईस्ट के। अच्छी तरीके से आपको मिक्स कर लेना है। पांच मिनट के लिए रख देना है हमें इसे। तो चलिए देखें, 5 मिनट कंप्लीट हो गए हैं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से हमारा जो खमीर है वो उड़ गया है। आपका भी इसी तरीके से खमीर उठना चाहिए। खमीर जो है वो एक्टिव हो गया है, आपका भी इसी तरीके से होना चाहिए। तो बहुत ही अच्छा डोनट बनेगा आपका। देखिए ये 250 ग्राम हमने मैदा लिया। अगर आप कप से नापोगे तो ये 2 कप है मैदा। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा जो खमीर है। खमीर बहुत ही अच्छा है, इसी तरीके से आपका भी एक्टिव होना चाहिए खमीर। आप डोनट की रेसिपी जरूर ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी और अच्छा बनता है, बहुत ही ज्यादा फ्लफी रहता है। ये जो अंडा हमने फेटा था, थोड़ा थोड़ा करके आपको ऐड करना है। जो डो है आपको वो बना लेना है डो को। देखिए जो डो है उसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं रहना, और आपको सख्त डो नहीं बनाना है, स्टिकी डो बनाना है यानी जो हाथ में चिपकती है वैसी डो बना लेना है आपको। तो हमें इसमें 2 टीस्पून जो है तेल ऐड कर लेना है।
आप तेल की जगह जो है वो बटर भी ऐड कर सकते हैं, बटर भी मिला सकते हैं। अच्छे तरीके से आपको मिक्स कर लेना है। देखिए स्टिकी डो इसे ही बोलते हैं, जो हाथ में चिपकती है, थोड़ा सख्त डो रहती है वैसी आपको नहीं बनाना है। जो पाव वगैरह में जो डो बनाते हैं वैसी डो आपको बना लेना है। अगर आपको पाव टोस्ट की रेसिपी चाहिए तो वो सब भी हमारे चैनल में आपको मिल जाएगी, आप कमेंट कर देना हमें। चलिए अब जो हमारी डो है उसे किचन टेबल पर आपको एकदम मसल मसल कर 10 मिनट तक बनाना है। जितना ज़्यादा आप मसलोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। रहा नीचे आओ, चलो इधर आओ। अब डो जो है वो तैयार हो गया है। अब हमें एक बाउल लेना है या जो भी चीज़ लेंगे आप, उसके अंदर साइड में पूरा तेल लगा लेना है आपको अच्छी तरीके से। डो के ऊपर भी लगा लेना आपको, और इसे ढक कर आपको या प्लास्टिक रैप करके 1 घंटे तक रख देना है, जब तक कि डो जो है वो डबल ना हो जाए। डो डबल हो जाएगा तो हम मिलते हैं। तो चलिए 1 घंटे तक रख देते हैं हम डो को। 1 घंटा कंप्लीट हो गया है, देखिए डो जो है वो डबल हो गई है। आपको इसी तरीके से बना लेना है। चलिए अब हम इसमें पंच मारेंगे इसे। हमें इसे अभी फिर निकालना है पंच मारकर। 1 मिनट तक रख ले, मतलब कि वापस से इसे गूंदना है 1 मिनट तक। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियोस को लाइक नहीं की हो तो प्लीज़ कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी और नोटिफिकेशन आपको आ जाए। और आप हम इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, करेंगे तो बहुत ज़्यादा आप लोगों का शुक्रिया। डो को आपको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। एक बड़ी सी रोटी आपको तैयार कर लेना है। आप रेसिपी जरूर जरूर ट्राई करना, बहुत ही अच्छा और टेस्टी डोनट बनता है। अगर आपको और भी रेसिपी चाहिए तो वो सब हमारे चैनल में आपको मिल जाएगी। अगर आप हमारे इंग्रेडिएंट से, हमारी स्ट्रेटेजी से बनाएंगे तो रेसिपी जो डिश है आपकी वो बहुत ही अच्छी बनेगी। अच्छी तरीके से आपको जो रोटी को है वो बेल लेना है। नीचे सूखा आटा याद से आपको लगा लेना है। रोटी तैयार हो गई है, और आप देखिए लेयर जो है वो आपको इतनी मोटी रखना है, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं करना है। आप ग्लास से, या आपके पास कटर अवेलेबल होगा तो आप उससे कट कर सकते हैं। अच्छी तरीके से आपको कट कर लेना है।
डोनट का हम शेप देंगे, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे जो क्रीम, हमारा जो केक का आता है सब मटेरियल, तो उसमें जो क्रीम वाला आता है नोज़ल, क्रीम के कोन में लगता है, उससे हम बनाएंगे, बीच का शेप देंगे। देखिए बिल्कुल ये डोनट लग रहा है। आप रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आपको बटर पेपर कट कर लेना है, बटर पेपर के ऊपर रख लेना है आपको सब डोनट को। तेल हमारा जो है वो गरम हो गया है, तेल आपको हाई फ्लेम पर गरम कर लेना है और फ्लेम को जो है फिर वो लो कर लेना है। देखो आपको बटर पेपर के साथ डाल लेना है, बटर पेपर आप नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा। देखो माशाल्लाह कितना प्यारा बन रहा है हमारा डोनट, बिल्कुल डोनट के शेप का है, फ्लफी भी बन रहा है एकदम। आप अगर हमारे जो इंग्रेडिएंट्स है, हमारी क्वांटिटी हमने जो बताई है, मेजरमेंट हमने बताया है, अगर आप उसके हिसाब से बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी आपकी डिश बनेगी। अगर आपको कुछ क्वेरी भी रहती है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछना, हम रिप्लाई भी करते हैं। आपको वीडियो में जितना अच्छा और टेस्टी प्यारा लग रहा है, ये खाने में भी उतना ही अच्छा रहता है। जैसे मैं बार बार आपको बोलूं कि रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, बच्चों को तो डोनट बहुत ज़्यादा पसंद होता है। यहाँ पे हमारी जो दूसरी रोटी थी वो हम बेलेंगे, एक दो हमने जो रखा था, मैंने जो रोटी की लेयर बताई थी कि जितनी मोटी रखना है उतनी ही आपको रखना है, ज़रा भी कम ज़्यादा नहीं करना है। देखिए इसी तरीके से जो है वो आपको लाल कर लेना है, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा डोनट बना है हमारा। आप भी रेसिपी ज़रूर ट्राई करना और जितना हमने मेजरमेंट बताया है उसे ज़रूर फॉलो करना, तो आपका भी इसी तरीके से डोनट बन जाएगा। देखिए डोनट जो है वो हमारा ठंडा हो गया है। यहाँ पे हमने ब्राउन चॉकलेट एंड व्हाइट चॉकलेट को जो है वो मेल्ट कर लिया है, अब हम गार्निश करेंगे डोनट के ऊपर। डोनट आपको ले लेना है, इस तरीके से डीप करना है आपको चॉकलेट में। देखे कितना प्यारा लग रहा है, आपको इसी तरीके से डीप कर लेना है। अब हम व्हाइट चॉकलेट लेंगे, इस तरीके से हमें डीप कर लेना है। व्हाइट पल हमें ले लेना है जो हम केक पर फ्रॉस्टिंग के लिए यूज करते हैं, डालना है उसे हमें। आप इसी तरीके से व्हाइट चॉकलेट में भी डीप कर सकते हैं, ब्राउन चॉकलेट में भी। देखिए फाइनली हमारा डोनट जो है वो रेडी हो गया है, तो चलिए फटाफट से रेसिपी को ट्राई कीजिए और कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, वीडियोस को लाइक नहीं किया हो, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया हो तो प्लीज़ कर दीजिए, ताकि हमारी और नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुँच जाए। तो चलिए बाय।
Thanks for watching my video. Please subscribe my channel, like my video, press the bell icon, share my video. Thank you.